Hi everyone, welcome back to my channel. In this video, you are going to learn some very important sentences and phrases. These sentences and phrases are mostly spoken by teachers and students in the class. दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कुछ ऐसे sentences और phrases जो अक्सर क्लासरूम में यूज़ होते हैं, जिनको अक्सर टीचर्स और स्टूडेंट्स क्लास में यूज़ करते हैं। पहला फिक्रा है, क्लास शुरू होने वाली है। क्लास इज़ अबाउट टू स्टार्ट। क्लास शुरू होने वाली है। क्लास इज़ अबाउट टू स्टार्ट। क्लास इज़ अबाउट टू स्टार्ट। घंटी बज रही है। द बेल इज़ रिंगिंग। द बेल इज़ रिंगिंग। घंटी बज रही है। द बेल इज़ रिंगिंग। हाज़री लग रही है। द रोल इज़ बीइंग कॉल्ड। हाज़री लग रही है। द रोल इज़ बीइंग कॉल्ड। कल स्कूल बंद रहेगा। देयर विल बी नो स्कूल टुमारो। कल स्कूल बंद रहेगा। देयर विल बी नो स्कूल टुमारो। मुझे नहीं लगता आज क्लास होगी। आई डाउट इफ द क्लास रन्स टुडे। मुझे नहीं लगता आज क्लास होगी। I doubt if the class runs today. I doubt if the class runs today. लो घंटी बज गई. There goes the bell. There goes the bell. लो घंटी बज गई. There goes the bell. उसकी गैर हाज़री लग चुकी है. He has been marked absent. उसकी गैर हाज़री लग चुकी है. He has been marked absent. He has been marked absent. आज कौन गैर हाजिर है? Who is absent today? Who is absent today? कल कौन गैर हाजिर था? Who was absent yesterday? Who was absent yesterday? अपनी किताब का सफ़ा नंबर 20 खोलो. Open your book at page 20. Open your book at page 20. सफ़ा बदले या पन्ना पलटाओ. सफ़ा बदले या पन्ना पलटाओ. टर्न द पेज. टर्न द पेज. पढ़ते वक्त किताबों पर मत झुको. डोंट स्लाउच ओवर द बुक्स वाइल रीडिंग. डोंट स्लाउच ओवर द बुक्स वाइल रीडिंग. डोंट स्लाउच ओवर द बुक्स वाइल रीडिंग. पहले कौन पढ़ना चाहेगा? Who would like to read first? Who would like to read first? पहले कौन पढ़ना चाहेगा? Who would like to read first? बोलना बंद करें. Stop talking. Stop talking. दूसरों को तंग ना करें. Don't disturb others. Don't disturb others. इस सवाल का जवाब कौन जानता है? Who knows the answer of this question? Who knows the answer of this question? ये सवाल का जवाब कौन दे सकता है? Who can answer this question? Who can answer this question? ऊंची आवाज से. Louder please. Louder please. हाथ ऊपर करो. Put your hands up. Put your hands up. हाथ नीचे करो. Put your hands down. Put your hands down. टेस्ट जमा करें. Hand in your test. Hand in your test. मेरे पीछे पीछे पढ़ें. Repeat after me. Repeat after me. खड़े हो जाओ. Stand up. Stand up. बैठ जाओ. Sit down. Sit down. अपने साथी से पूछो. Ask your partner. Ask your partner. आज कौन सा दिन है? What day is it today? What day is it today? ऊंचा बोलो. Speak louder. स्पीक लाउडर। मेरे पास आओ, कम टू मी, कम टू मी। जाकर ये बोर्ड पर लिखो, गो एंड राइट इट ऑन द बोर्ड। जाकर ये बोर्ड पर लिखो, गो एंड राइट इट ऑन द बोर्ड। वो बमुश्किल पास हुआ, ई बेयरली गॉट पास मार्क्स, ई बेयरली गॉट पास मार्क्स। वो इंग्लिश में अच्छा है, ई इज़ गुड एट इंग्लिश, ई इज़ गुड एट इंग्लिश, ई इज़ गुड एट इंग्लिश। वो रियाजी में कमज़ोर हैं, ई इज़ वीक इन मैथमेटिक्स, ई इज़ वीक इन मैथमेटिक्स। इम्तिहान करीब आ रहा है, द एग्जामिनेशन इज ड्राइंग नियर, द एग्जामिनेशन इज ड्राइंग नियर। मैं छठी जमात को रियाजी पढ़ाता हूँ, आई टीच मैथमेटिक्स टू सिक्स्थ क्लास, आई टीच मैथमेटिक्स टू सिक्स्थ क्लास। क्या तुमने छुट्टी के लिए दरख्वास्त दी? Did you apply for leave? Did you apply for leave? आठवीं जमात ड्रिल कर रही है, एट्थ क्लास इज डूइंग ड्रिल, एट्थ क्लास इज डूइंग ड्रिल। सब लोग मुतवज्जा हो, पे अटेंशन एवरीबडी, पे अटेंशन एवरीबडी। क्या तुम्हें समझ आया? Did you get it? Did you get it? दोबारा कहिए, say it again, say it again। आओ, come in, या अंदर आओ, come in। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? May I come in? May I come in? दोबारा कोशिश करो, have another try, have another try। बहुत खूब या बहुत अच्छा या ज़बरदस्त, गुड ट्राई, गुड ट्राई। साफ सुथरा लिखने की कोशिश करो, ट्राई टू राइट क्लियरली, ट्राई टू राइट क्लियरली, या आप कह सकते हैं ट्राई टू राइट प्रॉपर्ली। कल मुलाकात होगी, सी यू टुमारो, see you tomorrow, see you tomorrow। अपनी किताबें दूर रखें, put away your books, put away your books। बोर्ड साफ करो, clean the board, बोर्ड साफ करो, clean the board, clean the board। सुने और दोहराए, listen and repeat, listen and repeat। बोर्ड की तरफ देखें, बोर्ड की तरफ देखें, look at the board, look at the board। किताबें अपनी बैग में डाल दो, put the books in your bag, put the books in your bag। अब अपनी किताबें बंद करें, now close your box, now close your box। वो इम्तिहान में अच्छा रहा, he did well in the examination, he did well in the examination। वो हमेशा अपना सबक याद नहीं करता, he always doesn't do his lesson, he always doesn't do his lesson। वो 10 नंबरों की कमी से फेल हुआ, he failed only by 10 marks, he failed only by 10 marks। ध्यान से पढ़ो या तवज्जो से पढ़ो, read between the lines, read between the lines, read between the lines। या फिर आप ये कह सकते हैं read intelligently या read between the lines। जाकर लाइन में लग जाओ। गो एंड गेट इनटू द लाइन। गो एंड गेट इनटू द लाइन। गो एंड गेट इनटू द लाइन। लाइन मत तोड़ो। डोंट जंप द लाइन। डोंट जंप द लाइन। जाओ अपनी सबक याद करो। गो एंड डू योर लेसन। गो एंड डू योर लेसन। हाज़री दो। गिव योर अटेंडेंस। गिव योर अटेंडेंस। हाज़री दो। खुश खत लिखना। खुश खत लिखने को इंग्लिश में कहते हैं राइट अ लेजिबल हैंड। राइट अ लेजिबल हैंड। खुश खत लिखना। साफ साफ लिखना। राइट क्लियरली या राइट प्रॉपरली। साफ साफ लिखना, ठीक से लिखना। राइट क्लियरली और यू कैन से राइट प्रॉपरली। जल्दी जल्दी नोट करना। जॉल्ट डाउन। जॉल्ट डाउन। काटा पीटी करना। ओवरराइट। ओवरराइट। काटा पीटी करना। पेंसिल से लिखना। राइट विद पेंसिल। राइट विद पेंसिल। कलम से लिखना। राइट विद पेन। राइट विद पेन। लाठी से मारना। बीट विद स्टिक। बीट विद स्टिक। सजा देना। पनिश। सजा देना। पनिश। इमला। डिक्टेशन। इमला को क्या कहते हैं? डिक्टेशन। इमला। डिक्टेशन। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।